आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। वैसा मल्टीप्लीकेशन रहेगा जिसके एक तरफ क्या रहेगा, सभी अंक समान रहे। जैसे यहाँ वन 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 है तो यहाँ दो 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 भी रह सकता है, लेकिन पहले वन वाला देखते हैं, उसके बाद फिर वो भी देखेंगे। मतलब एक तरफ कुछ भी रहे अपना मन से, दूसरा तरफ क्या रहना चाहिए, सब अंक समान रहना चाहिए, सभी अंक समान। तो अभी इस वाले में हम एक तरफ वन वन लिए, बस करना ये है, पहले ये दो अंक वाला करता है, छोटा से स्टार्ट करते हैं। जैसे इधर देखिए कितना बार तो वन लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, तो हम लोग जोड़ करके लिखते हैं, यानी एक एक अंक पहले लिखेंगे, फिर दो अंक लिखेंगे, फिर एक अंक लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। जैसे देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दो अंक है ना, तो मैक्सिमम जोड़ करके दो अंक तक जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ये तीन, फिर इसके बाद ये दोनों जोड़ करके तीन और चार सात, और फिर ये मैक्सिमम दो अंक तक पहुंच गए ना, उसके बाद पीछे से एक अंक छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचा चार, यानी उत्तर। और ये वाला तरीका तो हम पहले भी बताए थे पिछला वीडियो में, कि अगर कोई संख्या से अगर मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोई संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना है अगर, तो क्या करते थे, ये दोनों अंक को जोड़ करके बीच में रख दीजिए, यानी कि ये चार और तीन है ना, ये दोनों अंक को जोड़ेंगे तो सात, बीच में रख दीजिए, उत्तर हो गया आपका। वही तो आया है, ये तो पिछला वीडियो में भी हम ये तरीका एक बताए थे, लेकिन ये तो था कि दो अंक वाले में रहेगा तब, लेकिन यहाँ तो दो अंक है, यहाँ क्या है, इस प्रश्न में तीन अंक है, तो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले ये लिखना है, एक अंक लिखना है, तो कितना है चार, फिर ये दो अंक जोड़ करके, ये दोनों जोड़ करके, तो चार और तीन सात, फिर ये तीनों जोड़ करके लिखेंगे, ये तीन ये तीन, तो चार तीन सात और दो नौ, नौ। अब ये तीन अंक तक पहुंच गए ना, चूंकि ये तीन अंक था, अब लास्ट से एक अंक छोड़ देंगे तो, और उसके बाद जोड़ेंगे तो तीन और दो पांच, फिर एक अंक छोड़ देंगे, कितना बचा दो, उत्तर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, इसको बार बार जब तक नहीं रिपीट कीजिएगा ना, वीडियो रिपीट करके नहीं देखिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एक बार नहीं हो पाएगा, समझ जाइएगा लेकिन फिर भूल जाइएगा, प्रैक्टिस करना होगा इसके। देखिए एक अंक सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पांच, फिर ये दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि ये तीन अंक है ना, इधर जो है क्या है, रिपीटेड है, वन वन वन, यानी 111 से मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें, तो 111 है तो कितना अंक है, एक दो तीन अंक है ना, तो मैक्सिमम तीन अंक तक का पेयर बनाते हैं, तो पहले एक अंक लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं हमेशा दाहिने तरफ से, तो सबसे पहले पांच लिख दी, फिर ये दोनों अंक जोड़ करके लिखेंगे, तो पांच और एक छ, फिर ये तीनों अंक जोड़ के, तो पांच और एक छ और तीन नौ, नौ हो गए, तो ये तीन अंक तक पहुंच गया। अब एक अंक छोड़ देंगे लास्ट से, तो क्या बचा, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो एक और तीन चार, चार हो गया, फिर एक अंक छोड़ देंगे, तो क्या बचा तीन, तो तीन लिखेंगे। देखिए और एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर होगा, इसको मिटाते हैं और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक बार अगर अच्छा से प्रैक्टिस हो गया तो फिर नहीं भूल पाइएगा, फिर जो भी कैलकुलेशन होगा इस तरह का सब आसान लगेगा। अभी तक हम क्या लिए हैं एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल दूसरा, अभी जानबूझकर छोटा छोटा डिजिट ले रहे हैं ताकि आपको जोड़ने में सुविधा हो। दो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, आठ नौ बड़ा बड़ा अंक भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा अंक अभी जोड़ने में परेशानी होगा, क्योंकि अभी छोटा से शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, पिछला जो क्वेश्चन लिए थे कैसे लिए थे, ये था 234 गुना 111, मतलब इधर भी तीन अंक और इधर भी तीन अंक, लेकिन यहां पर क्या है, यहां चार अंक है और इधर तीन अंक है, तो हम क्या बोले हैं, मैक्सिमम जोड़ करके तीन अंक को जोड़ करके एक बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो शुरुआत तो सबसे पहले यहां से करेंगे, पहले लिखेंगे कितना दो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले दो, एक अंक लिखेंगे, फिर दो अंक जोड़ करके लिखेंगे, दो और चार छ, फिर तीन अंक जोड़ करके लिखेंगे, दो और चार छ और तीन नौ, अब यहां पर रुक जाएंगे, इधर जितना अंक रहेगा उतना ही अंक तक मैक्सिमम जोड़ के हम लोग लिखेंगे,
यानी एक अंक लिखे, फिर दो अंक लिखे, फिर तीन अंक लिखे जोड़ के, अब ये चारों अंक जोड़ करके नहीं लिखेंगे, क्यों? चूंकि इधर तीन ही अंक है, तो तीन ही अंक तक जोड़ के लिखेंगे। अब उसके बाद इधर से एक अंक छोड़ देंगे, फिर तीन अंक यहां से ले जाइए कहां तक जाता है, तो कितना होगा, चार तीन सात और दो नौ, नौ, फिर एक अंक छोड़ देंगे, फिर तीन अंक इधर से जाइए, तो इधर नहीं है, तो जितना रहेगा उतना ही अंक लिखेंगे, तो तीन और दो पांच, फिर इधर इसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, दो आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यही उत्तर है। देखिए फिर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है दो पांच तीन चार गुने एक सौ ग्यारह, और एक और एग्जांपल इसी के साथ ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं दो तीन पांच गुने एक सौ ग्यारह। देखिए हम क्या कर रहे हैं वो समझिए, इस तरफ जो सब अंक समान है, सब अंक क्या है, समान है, ये कितना अंक है, तो तीन अंक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इस तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं, तो पहले एक अंक लिखेंगे, फिर इस जगह पर सबसे पहले क्या करेंगे एक अंक लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ये दो अंक लिखेंगे दोनों को जोड़ करके, फिर कितना लिखेंगे ये तीनों को जोड़ करके लिखेंगे, तीनों को जोड़ करके लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब तीनों अंक पूरा हो गया तो लास्ट एक अंक छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे ये दो अंक को, फिर इसको भी छोड़ देंगे तो एक अंक को, यानी ऐसे एक दो तीन दो एक, यानी कि एक अंक लिखे फिर दो अंक जोड़ के फिर तीन अंक जोड़ के फिर दो अंक जोड़ के फिर एक अंक। इस वाले केस में क्या होता, तीन अंक है इधर चार अंक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले एक कितना एक अंक जोड़ करके लिखते, फिर ये दोनों जोड़ के लिखते दो अंक जोड़ के, फिर ये तीन अंक जोड़ के लिखते, अब इसके बाद क्या करते तीन अंक तक पहुंच गए, अब ये चारों जोड़ के नहीं लिखेंगे, क्यों, चारों जोड़ के तभी लिखते जब इधर चार अंक रहा था, तो अब तीन अंक ही जोड़ के लिखना है ना, तो तीन अंक यहाँ तक पहुंच गए तो लास्ट से एक अंक छोड़ देंगे और तीन अंक जोड़ के लिखेंगे, फिर लास्ट से एक अंक छोड़ देंगे और दो अंक जोड़ के लिखेंगे और फिर एक अंक लिखेंगे, यानी कि इसमें देखिए ज्यादा अंक है तो रिपीट हो गया ना, ऐसे करना, अगर यही रहता इधर भी एक अंक और रहता तब क्या होता, तब ये करते, देखिए एक और नेक्स्ट प्रश्न ले ही लेते हैं, ये 25 34 गुना 1 2 3 4 अगर ये रहता तब इसमें क्या करते, एक अंक जोड़ के लिखते फिर दो अंक फिर तीन अंक फिर चार अंक, क्योंकि इधर चार अंक है तो चार अंक तक जोड़ते हुए पहुंचते, उसके बाद एक अंक छोड़ते फिर तीन अंक फिर एक अंक छोड़ते दो अंक फिर एक अंक छोड़ते एक अंक, ऐसे करते। अब देखिए तो ये दोनों क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ये 25 34 है, एक लेते हैं ये 25 34 गुना 111 और फिर लेते हैं 25 34 गुना 1 2 3 4 बार लेते हैं, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसको एक अंक लिखेंगे चार, फिर दो अंक जोड़ के चार तीन सात, फिर तीन अंक जोड़ करके चार तीन सात पांच बारह का दो कैरी एक, एक बच गया वो कैरी जोड़ रही, फिर एक अंक लास्ट से छोड़ दीजिए, तो तीन और पांच आठ और दो दस और एक ग्यारह का एक, फिर कैरी एक, फिर एक अंक छोड़ देंगे, पांच और दो सात और एक आठ, कैरी खत्म हो गया, आठ दो अंक हो गया। अब क्या करेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा, दो। इसमें देखिए इसमें चार अंक तक जोड़ते हुए जाएंगे, चूंकि इधर चार अंक है तो इधर क्या करेंगे, चार लिखेंगे सबसे पहले एक अंक, फिर उसके बाद दो अंक लिखेंगे चार तीन सात, फिर तीन अंक, तो चार तीन सात पांच बारह, बारह का दो कैरी एक, अब चार अंक तक जोड़ते हुए जाएंगे, चूंकि ये चार अंक है तो मैक्सिमम चार अंक तक जाएंगे, तो चार तीन सात पांच बारह और दो चौदह और कैरी वाला एक पंद्रह का पांच, कैरी फिर एक, अब एक अंक लास्ट से छोड़ेंगे तो तीन और पांच आठ, दो दस और ग्यारह का एक, कैरी एक, एक अंक छोड़ेंगे, पांच दो सात और एक आठ, कैरी खत्म हो गया, एक अंक छोड़ेंगे और दो, आपका ही आया। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं ये 235 गुना 11
अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक अंक पांच, फिर ये दो अंक जोड़ करके लिखेंगे पांच तीन आठ, फिर अब देखिए अब दो अंक से ज्यादा जोड़ के नहीं लिखेंगे, तीन अंक अब जोड़ के नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इधर दो ही अंक है, तो मैक्सिमम दो अंक तक जोड़ के पहुंच गए, तो अब लास्ट से एक अंक छोड़ दीजिए, फिर इधर जोड़ के लिखिए तो तीन दो पांच, फिर एक अंक छोड़ दीजिए तो दो आ गया आपका उत्तर। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, इस पर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कोई तरह का दिक्कत है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर इस टाइप का और अच्छे से बता देंगे। और देखिए इसमें एक और चीज, जैसे इसमें अगर ये दो यहाँ पर मान लीजिए कि 11 की जगह अगर मान लीजिए 22 रहता, यहाँ पर अगर 22 रहता क्वेश्चन में तो क्या करते, तो 22 का मतलब हो गया 11 × 2, तो ये दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन बता दिया, अंतिम में जो उत्तर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।